तो इसका पूरा वॉल बनाया, टाटा सीट बनाया जी, और ट्रेसिंग किया एयर स्पीकर का, इसी का ट्रेसिंग किया, ट्रेस करके बनाया जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गौर से ट्रेस किया, बहुत अच्छा लग रहा है, निकाल के फिर भी अच्छी लगाया, लाइव हो गया, आपने लगाया, आपने लगाया, आपने लगाया सारा कुछ चेक करके बनाया, समझ में आ रहा है कैसा एंटी क्लॉक वाइज क्या चलता है सारी ऐसी, बहुत बेहतर तरीके से सर समझ में आ रहा है। और यहाँ पे बात करें तो ये आपने ट्रेसिंग किया हुआ है, ट्रेसिंग किया हुआ है, रिसीवर कि ऐसे ही बना दिया आपने? नहीं ऐसा नहीं है। सुबह क्या किया आपने? कितनी बार में सक्सेस हो गया? फर्स्ट टाइम में कर दिया जी सर, बहुत बढ़िया। मैंने तो तीन दिन में ऐसा कभी, मैंने तो ट्रैक की आईसी के बॉल के नीचे का पैड को ही ट्रेस किया, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा करूं, इतना डीप लेवल पे जा पाऊंगा। जी सर, एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, जो अभी जो नया सेट अपडेट रहने के लिए, और जो अभी जो नया सेट आ रहा है 5G, उसके बाद 5G का सेट आएगा मार्केट में, तो अप टू डेट नहीं होने से हमारे नया ट्रिक नहीं जान पाएंगे। और आईसी की काम दो दिन में असंभव की तरह लगता है जो वीडियो देखते हैं, लेकिन यहाँ आने पर आपका वो जो कंफ्यूज दूर हो सकता है। आपको क्या बेस्ट लगा बताइए आप? सबसे बढ़िया टेक्निक सर, आज 3 साल से ट्राई करते थे रिबोलिंग के लिए, एक बार भी रिबोलिंग सही से होता नहीं था, और ना ही कभी लाइव बोर्ड से मैंने पावर वगैरह कुछ निकाला था और लगाया था। आज यहाँ पर एक, आज सुबह ही मैंने लाया सेट, वो उस पर लाइव ऑन सेट था, उस पर पावर निकाल कर रिवोल्व करके अपने से लगाया, एक बार में ऑन हुआ सर। अच्छा, आने से पहले हम सोचते थे कि 28 दिन का क्लास है, 28 दिन में 30 दिन में क्या सिखा देंगे, यहाँ पे आने के बाद पता चला कि 3 दिन में इतना सब सीख गए, 28 दिन में तो पता नहीं क्या क्या पूरा मोबाइल का पता चल जाएगा सर। सर बोलियों बनाने कर के जाएंगे सर, हम ऊपर ऐसे बोल कर बोलियों बना लेंगे, खुद का बोलियों बनाएगा हम लोग। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। ठीक है, ओके सर। आज हमारी मॉर्निंग में किसकी क्लास थी हमारी? मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ मैं, निकाल के फिर अच्छी लगाया, लाइव हो गया, आपने लगाया, आपने लगाया, आपने लगाया, लगाया आपने लगाया, आपने लगाया जी सर, आपने लगाया, लगाया सर, आपने लगाया सर, हाथ खड़ा करके बोलो, लगाया सर, दो बार लगाया, आपने लगाया सर, आपने यस सर, इधर आपने लगाया सर, आपने लगाया सर, आपने यस सर, आपने यस सर, आपने यस सर, आपने आपने लगाया सर, पांच सर लगाया, यस सर, उधर लास्ट में बज गया, उधर कैमरे में आ जाओ सामने, आ जाओ सामने। अच्छा ये बताओ मेरे को कि एक बंदे को लगा के ग्लास ऑफ कर दी क्या? नहीं सर। सबसे करवाया मतलब तक है ना, और उसके बाद हमारी 12 से 5 की जो क्लास थी किसके साथ थी? अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अगर मेरे पास अगर कोई सा भी बोर्ड होता है, पीसीबी होता है, अगर मैं उसका सीपीयू में अगर तुमको बता दूं तो सारी आईसी की आइडेंटिफिकेशन आप कर लोगे, कौन सा फर्स्ट पावर है, कौन सा सेकंड पावर है, कौन सा डीसी टू डीसी आईसी, कौन सी चार्जिंग आईसी, कौन सी वाईफाई आईसी है, कौन सी आरडीओ आईसी है, और कौन सी आपकी आईडेंटिटी करके बता देंगे ना सर, किसी को कोई दिक्कत होगी क्या? अभी तक आपकी क्लास हुई है, मतलब आपको 3 दिन हुए, 3 दिन में आपको 2 स्टेप में कंपोनेंट समझाया आपको, कंपोनेंट में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। रिलीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, हार्ट टेस्टिंग क्या होती है, कोल्ड टेस्टिंग क्या होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। कोई सी भी पीसी में ऐसा कोई कंपोनेंट बचा जो आपको पता नहीं है? नहीं सर। मतलब ऐसा कोई कंपोनेंट बचा है क्या, आपने छोड़ा है क्या? है ना, वो भले हमारे हाथ में पुरानी पीसी भी आई, नई पीसी भी आई, जो आपके पास की पीसी भी थी, हमारे पास की पीसी, सबको हमने ट्रेस किया ना सर, है ना। और आज आपकी आईसी आइडेंटिफिकेशन की, आपको आईसी को पढ़ना बताया उसको, आपको किस तरीके से आपको स्कीमेटिक में नंबर वाइज मिलेगी, अल्फाबेट में मिलेगी या न्यूमेरिकल में मिलेगी, तो आप उसको बना, उसका डायग्राम बना सकते हैं, सबने बनाया ना, और उसके बाद आपने रिसीवर की भी ट्रेसिंग करी आपने? यस सर। रिसीवर की ट्रेसिंग हुई कि नहीं हुई आपने? ऐसा कोई बच्चा है जिससे रिसीवर की ट्रेसिंग? नहीं सर। सबसे हुई ना, समझ में आया ना सर? ठीक है।
क्या बोलना चाहेंगे एक शब्दों में आप बोलिए कि एशिया टेलीकॉम में आपको क्या चीज बेस्ट लगी आप बताइए। जो पढ़ाने के तरीके सही है सर। बताइए आप मेरे को। पढ़ाने के तरीके सही है सर। मतलब कोई चाइनीज भाषा में तो नहीं बोलते ना? नहीं सर। नहीं सर। हिंदी में समझाते ना अपनी राष्ट्रीय भाषा में है ना, और उदाहरण कैसा देते हैं? हाँ सर। अच्छा, नॉर्मल देते हैं ना उसके अंदर जो हमारी दिनचर्या में शामिल है जो जी सर है ना। आपको क्या बेस्ट लगा बताइए आप। सबसे बढ़िया टेक्निक सर, आज 3 साल से ट्राई करते थे रिबॉलिंग के लिए, एक बार भी रिबॉलिंग सही से होता नहीं था, और ना ही कभी लाइफ बोर्ड से मैंने पावर वगैरह कुछ निकाला था और लगाया था। आज यहाँ पर एक आज सुबह ही मैंने लाया सेट, वो उस पर लाइव ऑन सेट था, उस पर पावर निकाल के रिवोल्व करके अपने से लगाया, एक बार में ऑन हुआ सर। अच्छा ये बताओ मेरे को, ट्रिक है ना सर, वो कमाल का ट्रिक था। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये जो रिव्यू आप दे रहे हो ये मैं क्या जबरदस्ती निकला सकता हूँ क्या? मैं जबरदस्ती निकला सकता हूँ कि मतलब मैं आपको कोई पैसा देके या आपको लालच देके या जबरदस्ती निकला सकता हूँ? ये रिव्यू आपका रियल होता है ना? हाँ सर, होता क्या है, देखो होता क्या है कि जब हम आपको डिलीवर करते हैं और सडनली आप उस फील्ड के होते हुए नहीं हो, आप वो कभी काम करते नहीं हो, सडनली आप काम करने लग जाते हो, तो जो जनता देखती है उसको विश्वास कम होता है। उनने बोला यार ये तो संभव नहीं है यार, इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, सारे के सारे पावर आईसी लगा के बैठे हुए हैं और सेट को चालू करके बैठे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि उनके पास वो टेक्निक नहीं है, वो स्किल नहीं है, वो टेक्निक नहीं है। और सर 3 दिन में तो हम खुद नहीं सोचे थे कि हम कभी लाइव सेट से पावर ऐसे निकाल के लगाएंगे। रीजन क्या, आप रात बात रही कंपोनेंट की, कंपोनेंट एक कंपोनेंट में कम से कम ये मान के चलो कि 4 से 5 दिन लगते हैं, कंपोनेंट की क्लास 8-8 10-10 दिन चलती है, पन बाकी क्या है कि आपका 2 दिन में पूरा कंपोनेंट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। आपको कंपोनेंट में कैसा कंप्लीट हुआ, आपकी कोई सी भी पीसीबी उठा के देख दो तो आप सबको आइडेंटिफाई कर लोगे, बाहर रीडिंग क्या होगी, पीसीबी में रीडिंग क्या होगी। पहले पता ही नहीं था कि यार रजिस्टर क्या है, डायोड, अब तो समझ में आता है, बोर्ड देखने से पता चलता है कि क्या है। अच्छा उसका वर्क क्या है? आज आपने जब ट्रेसिंग किया आपने कंपोनेंट, देखो मैं पहले ट्रेसिंग करा देता तो आपको समझ में आती क्या? नहीं, पहले कंपोनेंट पढ़ाया ना आपको, है ना, कंपोनेंट पढ़ाया उसके बाद आपसे ट्रेसिंग कराई, उसके बाद उस चीज का नॉलेज आया है ना, तो उसको वो नॉलेज था जब आप ट्रेस कर पाए, इसको सारे बच्चे ट्रेस कर पाए इसके, है ना। आपको ये मालूम हुआ कि आपका आरडीओ कहां से बनता है, कौन सी आईसी से बनता है, जब आप आरडीओ आईसी पे जा पाए। अगर मैं आईसी की क्लास आपको देते नहीं तो आपको मालूम पड़ता क्या? नहीं सर। आइडेंटिफिकेशन की आपको बताते कि आप किससे आपको आरडीओ मिलता है, अगर वो वहाँ आपको बताते नहीं तो आज वो क्लास में आप ट्रेस कर पाते नहीं, नहीं सर। तो आपको कैसा लगा, आपने 12 से 5 उधर क्लास ली और उसके ही प्रैक्टिकल आपने यहाँ किया, आप बताओ मेरे को ऐसा कोई क्लास में बच्चा बाकी है जिसने प्रैक्टिकल नहीं किया हो? सबने किया ना, सबके पास बोर्ड है ना, सबने किया ना, और एक एक को एक एक चीज समझ में ही ना। हाँ सर। अभी ये बताओ 6 दिन में जो आपकी क्लास हुई है, मतलब 3 दिन में 6 क्लासेस हुई है, दोपहर की और रात की, शाम दोपहर की और शाम की, पूरा कंटिन्यू आपका आवर्स कितने थे काम के? 12 घंटे में प्रैक्टिकल कितने आवर्स? 6 घंटे का प्रैक्टिकल, और आप कहीं भी इंस्टीट्यूट में देखोगे तो 5 या 6 घंटे से ज्यादा पढ़ाते नहीं, आप खाली प्रैक्टिकल ही 6 घंटे कर रहे हो, समझ रहे हो? अभी तक कोई संडे मंडे ट्यूसडे हुआ क्या? होली और यहाँ पर छुट्टी का कोई प्रोविजन नहीं है मेरे भाई, है ना, यहाँ पर कोई भी छुट्टी का प्रोविजन है ही नहीं यहाँ पे, है ना। ऑल दिन आपके क्लासेस है, वो संडे हो कि मंडे हो कि ट्यूसडे हो, है ना, कोई भी छुट्टी का प्रावधान नहीं है यहाँ पर। मैं जब वीडियो देखता था सर पहले, तो मैं सोचता था यूनिवर्सल से कैसे रिबॉल होगा, मैंने हो ही नहीं सकता, ये तो गलत होगा, कुछ होगा ऐसा, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला यूनिवर्सल से क्या क्या नहीं आया, कौन सा ऐसी ऐसा नहीं है जो रिबॉल नहीं हो सकता। जो जो हमारी ट्रिक जो है ना सर, कमाल का है ये, और अदर इंस्टीट्यूट में मिलना मुश्किल है। जो भी हमारी मेस में, जाली में, जो भी हमारी स्टेंसिल में, अगर यूनिवर्सल में कोई सी भी कितनी बड़ी आईसी भी अगर होती है तो हम इजी गोइंग कर सकते हैं, वो मेथड आपके पास है ना, वो तरीका आपके पास है, मेथड आपके पास है, आप 250 की स्टेंसिल से नया नए कितने सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं। नया नया टेक्निक सीखने के लिए एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, जो अभी जो नया सेट अपडेट रहने के लिए, और जो अभी जो नया सेट आ रहा है 5G, उसके बाद 5G का सेट आएगा मार्केट में, तो अप टू डेट नहीं होने से हमारे नया ट्रिक नहीं जान पाएंगे, और आईसी की काम 2 दिन में असंभव की तरह लगता है जो वीडियो देखते हैं, लेकिन यहाँ आने पर आपका वो जो कंफ्यूज दूर हो सकता है, और ट्रिक नया नया ट्रिक सीखने का मिलेगा और सब कुछ सीखने का मिलेगा। मेरा तो 3 दिन में पैसा वसूल हो गया ऐसा लगता है मेरे को। निहार क्या बोलेंगे आप? जी सर बहुत बढ़िया, मैंने तो 3 दिन में ऐसा कभी, मैंने तो ट्रैक की आईसी के बॉल के नीचे का पैड को ही ट्रेस किया,
मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा करूं, इतना डीप लेवल पे जा पाऊंगा। हाँ। जी सर। मौसिफ क्या बोलोगे आप? सर बहुत बेस्ट है, यहाँ पर तीन दिन में इतना सीखने मिला सर, कहीं नहीं मिलेगा सर, तीन दिन में बहुत कुछ सीखिए सर। सर पता ही नहीं था कंपोनेंट के बारे में, डीपली नॉलेज मिला है सर, कि पहले मालूम ही नहीं था सर। ठीक है, सर यहाँ से आने से पहले हम सोचते थे कि 28 दिन का क्लास है, 28 दिन में 30 दिन में क्या सिखा देंगे। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि तीन दिन में इतना सब सीख गए, 28 दिन में तो पता नहीं क्या क्या पूरा मोबाइल का पता चल जाएगा सर। सर बोलियों बोलाने कर के जाएंगे सर, मोबाइल ऐसे बोल कर लेंगे, बोलियों बोलना लेंगे, बोलियों बोलना खुद का बोलियों बनाएगा हम लोग। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। ठीक है सर। टाइम में सही नहीं जी, हाँ मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं सॉर्टिंग वोटिंग ले रहा हो, तो ये साइड एक चालू एंड साइड है, इस पर हम डीएसओ भी चेक करेंगे, डीएसओ से चेक करके बताएंगे। तो पहला नंबर पे है मुझे इसके अंदर कौन सा नंबर ढूंढना है बताओ, 92 तो मैं भूल भूल के बोलना है, तो यहाँ पर नोस्कट पॉइंट है, तो यहाँ से बोलना चालू करो, और क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा है तो इसमें डिस्टर्ब भी हो सकता है और दिमाग मतलब भूल भी जाता है, तो जैसे ये रो चालू होगी आप एक कॉपी में नंबर लिख लेना, और जैसे ये रो खत्म होगी एक नंबर लिख लेना, समझ में आ गया, ताकि हमारे को समझ में, हम वापस शुरू से ना करें। चलो करो, यहाँ पे दिखाओ, हाँ देखो पहले माइक्रोस्कोप सेट कर लो अपने हिसाब से, हाँ तो टाइट है, ठीक है देखो थोड़ा सा उसको जूम आउट कर, हल्का सा जूम आउट कर लो थोड़ा सा, ताकि हम लोग को दिखाई दे, और थोड़ा सा नीचे रख लो, करो देखो तुम्हारे को सेट हो रहा है। हाँ। चलो करो देखो, बोलो 1 2 3 इनको बोल लेना। तो दोस्तों ये हमारी तीसरे दिन की क्लास है, जिसमें आप देख रहे होंगे स्टूडेंट आईसी कार्ड डाटा सीट बनाना सीख रहे हैं इंटरनली पैडों के साथ। तो ये होता है चिप लेवल, जो जिसे कहते हैं रियली चिप लेवल ट्रेनिंग। यहाँ पर सिर्फ चिप बदलना नहीं सिखाई जाती है, यहाँ पर चिप के पैड लाइन चेक करना डायग्राम्स के साथ में, क्या फॉल्ट आ सकते हैं, किस पैड से लीकेज आ सकता है, जनरली एक इंटरनली माइनरली सॉर्टिंग लीकेज भी पता चलती है। फिर उसके साथ जो एंडलेस होता है वो होता है फ्रिक्वेंसी के साथ, कि किस लाइन पे हम फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ वोल्टेज और सिर्फ रीडिंग पे निर्भर नहीं रह सकते मोबाइल फ़ोन पे, और आप सिर्फ सीपीयू रिबॉल करने तक रह जाओगे। आपको पता होना चाहिए कि कब चेंज करना है। तो ये पता करने के लिए आपको यहाँ पे हम स्टूडेंट से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे डीएसओ यूज़ कर रहे हैं, और डीएसओ की फ्रिक्वेंसी हम यूज़ करते हैं हर सेक्शंस में जहाँ जहाँ वो यूज़ होता है, और हम उनको बताते हैं कि किस तरीके से एक डिजिटल स्टोरेज ऑस्किलोस्कोप से आप मोबाइल रिपेयरिंग को बहुत आसान बना सकते हैं, और जो फॉल्ट जो समान तौर पर एक टेक्नीशियन नहीं बना पाता उससे भी आप उसको बना सकते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट हर एक तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी से इस टूल से सीखता है, और यही मैं कहता हूं कि अगर आप इस इंस्टीट्यूट या हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ दिमाग में ये रखिए कि आप ना फीस के साथ में आपको टूल का भी थोड़ा बहुत बजट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये टूल्स भी नहीं रहेंगे तो आप ये सोचिए कि आप इसको फिर कैसे चेक कर पाएंगे, आप इस पर काम कैसे कर पाएंगे। इंस्टीट्यूट पे काम करने के बाद भी आप हो सकता है कि इस पर काम नहीं कर पाएं, बट अगर आपको लगन है, आपको मेहनत करना है, और आप 12 घंटे अगर काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो ही हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। हमारे इंस्टीट्यूट के नीचे दिए नंबर पर कॉल करें 12 से 5 बजे के बीच में, और अपने अगले महीने की सीट को बुक करें, क्योंकि अगले महीने की सीट में हमारा भारी डिस्काउंट है अभी, और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और इसे टेलीकॉम ज्वाइन करके फ्यूचर बनाइए। आज इन्होंने सबके सपने लाइव पावर आईसी 4G का लगाया है, और अगले दिन ये लाइव 4G CPU करेंगे उनके खुद के सेट में, और बहुत कॉन्फिडेंस है वन टाइम में करेंगे। तो ये देखने के लिए देखते रहिए एसर टेलीकॉम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड आज की जो हमारी क्लास है थर्ड डे की क्लास है, इवनिंग की क्लास चल रही है यहाँ पे, और
स्टूडेंट यहाँ पे आज की जो क्लास थी आईसी की क्लास थी, किसकी क्लास थी आज? आईसी की कूड़े आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, क्या नहीं होता, कौन सी आईसी क्या काम करती है। ये आपने आईसी का पैड भी जीआर बनाया, ये पहले पॉसिबल था? नहीं पहले नहीं, अभी हुआ। और ये ट्रेसिंग करके बनाया आपने? ट्रेसिंग करके खुद के। और आपने सुबह क्या किया? सुबह मॉर्निंग में आईसी रिबल किया। कौन सी? और आईसी लाइव चालू था ऑन सेट से, इससे पहले करते थे? नहीं यार कभी नहीं। लाइव चालू किया, ऑन किया? चालू किया। ओके सर, क्या कर रहे हो? सर ये जो रिसीवर का लाइन है ना, इसको मैं आईसी के पैड से मैच कर रहा हूँ, कौन सी बॉल में आता है ये आप देख सकते हैं। इन्होंने पैड का पूरा बनाया हुआ है। सुबह क्या किया आपने मॉर्निंग में? मॉर्निंग में एक ऑन जियो का पावर एस निकल कर उसको दोबारा लगा के फोन को ऑन किया। इससे पहले कर पाते थे? नहीं इससे पहले तो कभी नहीं, लेकिन अभी तो ऐसे लग रहा है कि मैं जैसे रिंगर वगैरह का उसका ड्रेसिंग करके जैसे बनने जैसा डायग्राम ऐसा ही बना सकता हूँ। अभी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या कर रहे हैं आप? आज किसकी क्लास थी? आज सर हमारा सुबह था सर, आज जो हमारा जियो का आता है 4G हैंडसेट, उसका लाइव पावर आईसी निकाल के बैठा। इससे पहले करते थे आप? नहीं सर। कहाँ सीखा आपने? इधर आके सर सब सीखा, ऐसे टेलीकॉम में। जी सर। 3 दिन की क्लास हुई है, आज आईसी की क्लास थी। जो आप आईसी के पैड बना रहे हो, जी सर, समझ करके बना रहे हो कैसे बना रहे हो? नहीं सर, पूरा समझ के बना रहा हूँ। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा फील हो रहा है। कल आपका सीपीयू है? जी सर। मैं ये क्या बनाया आपने? आईसी बनाया सर, टीएमए चेक करके बनाया। जी सर, ये रिसीवर प्रेस करके बनाया। जी सर। सुबह क्या किया? सुबह लाइव सेट में ऑन फोन एमआई का था, उसके पावर आईसी निकाल के रिवॉल्व करके लगाया। ये आज जो पॉसिबल है कर, अब आप कोई भी मॉडल दे दिया जाए, कोई भी पावर दे दिया जाए, कर लेंगे उसको अभी? जी सर। आपने तो 4G हैंडसेट कौन से सेट में किया था आपने? रेडमी 4A में किया था। हो गया 1 चालू? हो गया। कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? जी सर। क्या कर रही है? नोट 4 का ऐसा है। क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग कर रहे हैं। हाँ सर, ट्रेसिंग। आज किस क्लास थी? पावर आईसी का, लाइव पावर आईसी। मॉर्निंग में पावर आईसी निकाल के चालू किया और फिर उसके बाद आईसी क्लास लिया। सब समझ में आ रहा है? आईसी की डिटेलिंग समझ में आई, कौन सी आईसी क्या होती है, पावर, पीएमयू, पीएमएल, ये सारा सब समझ में आया? ओके करिए। आप क्या कर रहे हैं? सर ये ड्रेसिंग कर रहे हैं सर, आईसी से उसकी लाइन। देखो आप छह प्रेशर हो, एक चीज और सीख लो। रिसीवर की ड्रेसिंग कर रहे हैं। कैपेसिटर पे जाने में दिक्कत हो तो सबसे कम हाइट जिसकी आती है, सबसे छोटी हाइट आती है वो सर आपका रजिस्टर है काला वाला। क्या बनाया आपने? ये सारा कुछ चेक करके बनाया? हाँ, समझ में आ रहा है कैसा एंटी क्लॉक वाइज क्या चलता है सारी ऐसी? बहुत बेहतर तरीके से सर समझ में आ रहा है। और यहाँ पे बात करें तो ये आपने ट्रेसिंग किया हुआ है? ट्रेसिंग किया हुआ है, रिसीवर ये ऐसे ही बना दिया आपने? नहीं ऐसा नहीं है। सुबह क्या किया आपने? कितनी बार में सक्सेस हो गया? फर्स्ट टाइम में कर दिया। चालू हो गया था फोन? इधर देख के बात करिए, फोन चालू हो गया था? और अभी कैसा लग रहा है अभी आपको? 3 दिन की क्लास हुई और आफ्टरनून सेशन में ये आईसी का। कल आपकी जो क्लास है वो लाइव सीपीयू पे काम होगा, सीपीयू पे आप काम करने वाले हैं, तो अभी पावर आपने लगाया, सीपीयू कर पाएंगे? कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। बहुत अच्छा लग रहा है, उम्मीद है कि और बेहतर हम करेंगे। अभी तो सर 3 दिन के, अभी तो पूरा आपका 1 महीना बचा हुआ है। चलिए ठीक। क्या कर रहे हैं? सर रेडमी नोट 4 का वो ईयर स्पीकर चेक कर रहा हूँ, पावर आईसी तक चेक करके बना रहे हो? जी सर चेक। सुबह क्या किया आपने? सुबह सर मैंने 4 बार 4G इधर देख के बोलो 4G पावर लगाया, सक्सेसफुल ऑन हो गया। चालू बोर्ड में सही बोल रहे हो? हाँ सर सही बोल रहे। इससे पहले कर पाते थे? नहीं सर, इसके पहले कोशिश बहुत किया। कहाँ सीखा आपने? सर यहीं पे ऐसे। चलिए ये क्या कर रहे हो आप? जो आपने जीआर ये पैड बनाया है, ये किस आईसी का पैड है?
पावर एसी का है, पावर एसी पहचान में आ रहा है, पीएमएल पीएमआई क्या होता है सब सारी चीजें। सुबह का क्या आपने? पावर एसी चालू बोर्ड में, कौन से फोन में निकाला था? नोट फोर में निकाला था। इधर देखिए तो कितने बार में, एक बार में सक्सेस हो गया था, कितने बार में सक्सेस हुआ? एक बार सक्सेस हो गया था। चलिए ठीक, क्या कर रहे हो आप? ये ट्रेसिंग कर रहे हैं अभी आप? ये आप क्या कर रहे हो? जितना कंपोनेंट था उसका रीडिंग लिखा हूँ, जितना कॉइल था उतना कॉइल लिखा, उसका सीरीज में तो सीरीज में लिखा। और सुबह यानी सुबह क्या किया? सुबह यानी जियो लाइक सीपीयू का वो किया था, कर लिया था। हाँ। हो गया था। कितनी बार में हुआ? तो 3-4 बार में, लेकिन हो गया था। हो गया था। हाँ। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा, कर लिया था। बिल्कुल समझ में आ गया। आप मेरे को 3 किलोमीटर क्या कर रहे हैं आप? ये सर ट्रेस कर रहा हूँ। ट्रेस कर रहा हूँ। सर किस चीज की ट्रेसिंग चल रही है? ये एंटीना लाइन की। तो सुबह मॉर्निंग में क्या किया था आपने? सुबह सर पावर आईसी रिबॉलिंग, पावर आईसी पे काम, लाइव बोर्ड पे काम चल रहा था। फिर उसके बाद किसकी क्लास हुई? उसके बाद भी सर आईसी की। आईसी की फुल डिटेल समझ में आई आपको? हाँ समझ में आई। समझ में आई। कैसा लग रहा है अभी आपको? 3 दिन की क्लास हुई है, अच्छा लग रहा है। कल आपको लाइव पावर करा, लाइव सीपीयू करा जाएगा सारी चीजें। चलिए ठीक। क्या कर रही है सर? ट्रेसिंग कर रहे हैं आईसी के अंदर से। आईसी के अंदर से सर। स्पीकर आईसी स्पीकर टिप्स का सर कर रहे हैं सर। स्पीकर टिप्स बनाए हैं आपने? हाँ सर बना रहे हैं। अभी सर आईसी में सर ढूंढ रहे हैं कहाँ पे। सुबह क्या किया था आपने? सर ऑन सेट का पावर एसी निकाल के। कितनी बार? 4G सर। 2 बार किए। इससे पहले करते थे? नहीं सर। तो अब कैसा लग रहा है अभी? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बताइए कि अभी फिर फिर उसके बाद कौन सी क्लास हुई? उसके बाद सर देव सर की क्लास आईसी की। समझ में आई सारी चीज़? बहुत समझ में आई सर। पहले कुछ मालूम नहीं था इन सब के बारे में। अभी सर देखने से बोल देंगे बोर्ड कि ये कौन सा आईसी लगा हुआ है, किसकी क्या काम कर, क्या क्या काम करती है सर। चलिए ठीक करिए। आप क्या कर रहे हो? सर हम बोर्ड को ट्रेस कर रहे हैं, उसका डायग्राम बना रहे हैं। वेरी गुड। रिसीवर का, रिसीवर को सीपीयू से समझ कर बना रहे हैं। कैसे ही बना रहे हैं सर? समझ के बना रहे हैं। अच्छा मॉर्निंग में क्या किया आपने? सर मॉर्निंग इधर देखिए। सर मॉर्निंग में हमने सीपीयू रिवॉल्व किया। लाइव फोन चालू था? जी सर। तो ये सही ऑन हो गया था? यस सर ऑन हो गया था एक ही बार में। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी सर बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ से आने से पहले कंपोनेंट की जानकारी नहीं थी, यहाँ आने के बाद जो कंपोनेंट जो हम लोग जानते थे कैपेसिटर नहीं जानते थे, यहाँ आने के बाद अच्छे से जानने लगे। ये दिल से बोल रहे हैं आप? यस सर। ओके ओके। अभी आप जो ट्रेसिंग कर रहे हो समझ के कर रहे हो? एकदम सर समझ के। ओके चलिए ठीक है। एक कंपोनेंट की जानकारी। आप क्या कर रहे हो? सर रिसीवर के ट्रेसिंग कर रहे हैं सर। ट्रेसिंग कर रहे हो? हाँ सर। सुबह आपने आईसी पे काम किया था? हाँ सर 4G के। 4G किया था आपने? हाँ सर। सक्सेस हो गया था? हाँ सर हो गया। कैसा लग रहा है अभी? इससे पहले काम करते थे क्या? सर 1 साल से कर रहा था, लेकिन आज पहली बार निकाल लिया। आज सक्सेस हो गए? हाँ सर। कहाँ पे पॉसिबल हुआ? एशिया टेलीकॉम में सर। एशिया टेलीकॉम। चलिए ठीक है करिए। क्या कर रहे हैं आप अभी? इधर दिखाइए। सर आईसी बनाया है जो अपने स्पीकर की ट्रेसिंग किया। स्पीकर की क्लास थी कि आईसी की क्लास थी? नहीं सर पहले आईसी की थी सुबह। आईसी की मैं जियो के 2 बार। मॉर्निंग में क्या हुआ था? मॉर्निंग में आईसी जियो का पावर आईसी ना। कितनी बार लगाया? 2 बार उतार कर दोनों बार। 2 बार लगा दिया। इससे पहले काम करते थे आईसी पे? नहीं सर आईसी पर तो नहीं करते, वैसे तो काम वैसे काम करते थे। अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है? हाँ जी सर। सीखने को मिला? अभी 3 दिन की क्लास हुई, अभी तो 1 महीना पूरा बचा हुआ आपका। हाँ जी सर। कल आपका लाइव सीपी पे काम होगा, वो भी हम लाइव देखेंगे कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अभी फिर ब्लैक टेस्टेड और उसके बाद UFI सॉफ्टवेयर, बहुत सारा भी कंसेप्ट अभी बचा हुआ है। ठीक है सर। क्या कर रहे हैं? ट्रेसिंग कर रहे थे। ट्रेसिंग कर रहे? जी सर। सुबह क्या किया आपने?
पावर ऑन बोर्ड से निकाल करके। कितनी बार किया? दो बार लगा। दो बार कर दिया? इससे पहले कर रहे थे? कभी नहीं सर। नहीं कर रहे थे? कहाँ सीखा आपने? बस एशिया से लेकर। कैसा लगा? कैसा लग रहा है अभी? बहुत मतलब अभी तीन दिन की क्लास हुई है, अभी तो पूरा पहना बचा हुआ है, तो उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा सब कुछ अभी कंसेप्ट बचा हुआ है। तो अभी जो ट्रेस कर रहे हो ये समझ के कर पा रहे हो? जी जी पूरा कंप्लीट। चलिए ठीक है, दिखाइए क्या कर रहे हो आप? ये सर ट्रेसिंग कर रहे हैं। जी ट्रेसिंग। आप फ्रेशर हैं? पहले काम करते थे? पहले काम। कितने सालों से काम कर रहे हैं? सर कई साल से। कितने साल से? दस साल से काम कर रहे हैं। ये 10 साल का 3 दिन का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए। जो पहले काम करते थे सर उसमें आईसी वगैरह का कोई काम नहीं करते थे। पहले उतना था भी नहीं, 2018-17 से आईसी का ज्यादा क्रेज हुआ है, तो आईसी का कोई काम नहीं करते थे। लेकिन आज आपने पावर निकाला? हाँ जी पावर निकाला। कितनी बार? सर मैंने तो एक बार ही निकाला। एक बार में निकाल दिया, लगा दिया, चालू हो गया? फर्स्ट टाइम निकाला, बनाया और लगाया, चल गया। कैसा लग रहा है अभी? अब लेवल बढ़ गया, अब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस और यहाँ का एक्सपीरियंस मिल करके और आगे इन फ्यूचर बहुत अच्छा काम करेंगे। चलिए ठीक। आप क्या कर रहे हो? सर ट्रेसिंग दिया है, ये नोट 4 का पहले किया था, तो इसका पूरा बॉल बनाया, डाटा सीट बनाया। जी ट्रेसिंग किया, एयर स्पीकर का इसी का ट्रेसिंग किया है। ट्रेस करके बनाया? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बोर से ट्रेस किया। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए समझ, जो आपने बनाया समझ के बना रहे हैं। हाँ, सुबह आपने काम क्या किया? सुबह सर पहले किया था एक 4G हैंडसेट में से पावर आईसी निकाला था, ऑन बोर्ड से निकाला था। फिर पहन लीजिएगा, सर्दी हो गया। ऑन बोर्ड से निकाला था और उसे रीबॉल कर, चालू हो गया था? हो गया था। अच्छा अभी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। चलिए ठीक है, आप ऐसा मत समझिएगा, सर्दी हुआ है इनको इसलिए लाइव ही कर रहे हैं। चलिए आप क्या कर रहे हैं? सब ट्रेसिंग हो गया, तो ट्रेसिंग हो गया, दिखाइए नोट, दिखाइए। हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है। आईसी को लगा दे रहे हैं वापस? जी सर। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने, क्या बात है, ये सब ट्रेस करके बनाया है। जी सर। समझ में आ रहा है? जी सर। सुबह आपने क्या काम किया बताइए, मॉर्निंग में? फाइव ए का किया था आपने पावर? जी सर। चालू हो गया था फोन? जी सर। कितनी बार किया उसमें? एक बार, दो बार? फर्स्ट टाइम में ऑन हो गया था। क्या बात है, जियो का भी किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। अभी आप ट्रेसिंग कर लिया आपने? आईसी की डिटेलिंग समझ में आई? जी सर। ओके, आप क्या कर रहे हैं? जी सर ड्रेसिंग करा हूं सर। कहाँ है, नोट्स दिखाइए। आईसी की टाटा सीट कहाँ है? ये देखिए, क्या बात है, ये सब मेहनत करके बनाया? हाँ मेहनत करके बनाया। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लगा। मॉर्निंग में क्या काम किया? मॉर्निंग में जियो का फोन का आईसी पावर आईसी बना निकाला था, पावर निकाला था, वापस लगाया, चालू फोन चालू हो गया था। और कैसा लग रहा है अभी? कहाँ सीखा आपने? कहाँ सीखा आपने वो चीज? इधर एशियन टेलीकॉम में। 3 दिन में पॉसिबल हो गया? चलिए ठीक। क्या कर रहे हैं सर? मैंने वो VRTX का आईसी के अंदर से ट्रैक का आईसी का डाटा सीट दिखाई। तो मॉर्निंग में क्या किया आपने? मैंने फोन से जियो का CPU रिकॉल पावर आईसी उठा के। सही बोल रहे हैं आप? हाँ सर। जितने स्टूडेंट बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं सब। आपका अभी कैसा रहा ओवरऑल 3 दिन की क्लास? बहुत बढ़िया सर, समझ में आ रहा है सभी। लेकिन अभी तो सेक्शन हुआ ही नहीं है, अभी तो केवल आईसी रिवॉल्विंग निकालना लगाना, अभी तो हमारे सेक्शन कल परसों से स्टार्ट होने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत बढ़िया लग रहा है। और बढ़िया लग रहा है? चलिए क्या कर रहे हैं आप? सर टेस्टिंग कर रहे हैं, लाइन टेस्टिंग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है अभी आपको? सर सुबह मॉर्निंग में क्या काम किया? सुबह मॉर्निंग में सर जियो के फोन चालू फोन की आईसी। इससे पहले करते थे आप? नहीं सर। कहाँ पे सीखा आपने? सर यहीं पर सीखा। यहीं पे सीखा? बिल्कुल फ्रेशर थे आप, इस फील्ड से थे भी नहीं जैसा कि आपने वीडियो में बताया था। जी सर। चलिए अभी आप जितना कर पा रहे हो लग रहा है आगे सीख पाओगे? हाँ सर बिल्कुल सीख पाएंगे। चलिए चलिए ठीक है, थैंक यू। आप क्या कर रहे हो? टेस्ट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? सर ट्रेसिंग कर रहा हूँ। ट्रेसिंग कर रहे हैं जी। और आईसी का डाटा सेट दिखाइए। आईसी का बना है सर? वो भी आधा बना, इस तरीके से बनाया हुआ।
ये ट्रेस करके बनाया है जी? नहीं नहीं सर, ये तो अलग से है, ये अभी बनाया मैंने। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो अभी आप? आज सुबह किसकी क्लास हुई? लाइव चालू सेट की पावर आईसी निकाली के वापस। आपने निकाला? हाँ, लगाया अभी और वापस चालू हो गया। चालू हो गया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले करते थे पावर पे काम? कभी नहीं किया था इससे पहले। अब हो जाएगा? हो जाएगा। कल आप सीपीयू लगाएंगे तो कल भी देखेंगे हम। आपका डाटा शीट निकाली, ये आप देख सकते हैं। जो डाटा शीट बनाया पहले से, घर से बना के लाए थे, अभी बनाया? अभी बनाया। ये ट्रेसिंग जो किया अभी बनाया? बिल्कुल अभी बनाया। कैसा लग रहा है अभी आपको? तीन दिन की क्लास ओनली। सुबह क्या काम किया? सुबह पावर आईसी। पावर आईसी निकाला लगाया, चालू हो गया फोन? कितनी बार किया? एक बार ही। एक बार ही किया बस। चलिए ठीक है। अभी कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए थैंक यू। ये आपका डाटा शीट है, सारा कुछ समझ करके बना रहे हैं कि ऐसे ही बना रहे हैं? समझ करके बना रहे हैं। सुबह काम क्या किया आपने? पावर आईसी निकल गया। कितनी बार किया आपने? दो बार आपने कर दिया वन टाइम में। कैसा लग रहा है बूस्ट कॉन्फिडेंस, कैसा लग रहा है अभी आपको? तो मैं पहले काम कर ले रहा, जो सीखने के लिए मिल रहा वो कुछ अलग मिल रहा है। अलग मिल रहा है, नया मिल रहा है। जिससे आप जो पहले 10 मिनट में होता था वो 5 मिनट में हो रहा है? वो तो हो रहा है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो ये कल इनका चलेगा सीपीयू, चलेगा का लाइव बोर्ड से निकलेगा सीपीयू सारे स्टूडेंट का, और लाइव भी देखेंगे कल। तो चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। आज का जो हमारा कंसेप्ट था, सुबह थी पावर आईसी पे काम था, फिर आईसी की आइडेंटिफाई, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल चल रहा है, अब कल होगा हमारा लाइव। तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट किस तरीके से आईसी एक लाइव प्रैक्टिकल निकाल के उसके डाटा शीट को बना रहा है, और आईसी को निकालने के बाद में किस तरह से उन्होंने, देखिए आप कॉपी में उसने डिज़ाइन किया हुआ है, और उसको डिज़ाइन करके एक एक पैड को वो चेक कर रहा है, और चेक करना सीख रहा है कि अगर उसके पास में कोई फ़ोन आता है और अगर सिर्फ आईसी बदलने से काम नहीं होता है तो पैड लाइन कैसे चेक करें, इंटरनली लाइन कैसे चेक करें, और बिना डायग्राम्स के। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रेसिंग से थ्रू बता जा रहा है। अभी आप देखेंगे कि कोई भी किसी का लैपटॉप ऊपर नहीं है, हम विदाउट डायग्राम फिलहाल बता रहे हैं। तो ये विदाउट डायग्राम से हम इनको सिखा रहे हैं कि बिना स्कीमेटिक से आप इसको कितना बेहतर तरीके से इसको आप सीख सकते हैं, और एक डायग्राम के साथ तो आप एक बहुत नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे। तो हम हर तरह के लेवल पर इसमें सिखाते हैं, जैसे कि स्टूडेंट, और हर स्टूडेंट का आप देखेंगे कि उनकी खुद के टूल्स होते हैं यहाँ पर। हर स्टूडेंट को हम हर तरह के टूल्स प्रोवाइड कराते हैं, स्टूडेंट को खुद से कुछ लाना नहीं होता है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी, आप देखिए टूल ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ही है किसी भी, ये एक तरह से इंडिया की सबसे बड़ी लैब आप मान सकते हैं। यहाँ पर हम कम से कम 50 के ऊपर स्टूडेंट बिठाने की यहाँ पे कम से कम 50 के ऊपर स्टूडेंट बिठाने की क्षमता रखते हैं। और बट हम अभी कोरोना के चलते दोस्तों स्टूडेंट हम कम लेते हैं, और हमारी सीट लिमिटेड होती है। इसलिए आप कभी भी अगर कॉल करें तो, और आपको लगता है कि नहीं ये इसे टेलीकॉम ही पढ़ा देगा, तो आप उसी दिन अपनी बुकिंग करा लीजिए और बस वेट कीजिए अपनी सीट का। और दोस्तों आपको सेम मंथ में कभी बुकिंग नहीं मिलेगी, तो अभी फ़ायदा उठा लीजिए अगले मंथ का, क्योंकि अगले मंथ में कुछ ही सीटें बची हुई हैं, और उसमें फ़ीस पे भी भारी डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा बेहतर काम करना चाहते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आप दूसरी लाइन से भी आए हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी मोबाइल रिपेयरिंग में जानते हैं, पर ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट है, 12 घंटे जॉब करने का आपको जुनून है, तो ही इस लाइन पे काम कीजिएगा और तो ही हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो फिर एसर टेलीकॉम आपके लिए नहीं है। एसर टेलीकॉम सिर्फ उनके लिए है जो दिमाग में रख के चले हैं, जिनका एक गोल है, एक अचीवमेंट है, और जो सोचते हैं कि मैं इस फील्ड में मुझे नाम कमाना है, तो ही आपको एसर टेलीकॉम ज्वाइन करना है। और दोस्तों एसर टेलीकॉम को सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियो देखिए, और अच्छा लगेगा आप लोगों को, और चैनल को लोगों को और शेयर करो, और लोगों को एसर टेलीकॉम के बारे में बताइए, और जिससे बाकी आपके भाई बहन या आपके रिश्तेदार या जो लोग जो काम नहीं कर रहे हैं और जिनको काम मिल जाएगा, एक रोज़गार मिल जाएगा, उनको बताइए ताकि उनको एक अच्छा रोज़गार मिले। थैंक यू। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए, पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया?
सर डुअल टेकर सीपीयू। डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल टेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना, आपने लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल टेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे डबल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल टेकर क्या है, मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? हमने डबल टेकर किया सर। डबल टेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपसे क्या करवाया था? डबल टेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल टेकर। डुअल टेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल टेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू, और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? डुअल टेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल टेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल टेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए बस सर। हमने ड्यूल टेकर किया सर। ड्यूल टेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट थैंक यू दोस्तों।